खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से, जहां रमजान शुरू होते ही बाजारों में मुस्लिम समुदाय के लोग खरीदारी करने में जुट गए हैं, जिसको लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के सबसे पाक महीना माना जाता है। रमजान की शुरुआत चांद के दिखाई देने पर निर्भर करती है। रमजान पूरे एक महीने का होता है। एक महीने बाद इसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। इसे पूरे महीने में लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, रोज यानी उपवास रखते हैं। जानकारी के अनुसार रमजान को इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले अन्नपारी ग्रहण करते हैं। उपवास के अलावा इस पूरे महीने अपने विचारों में शुद्धता रखना और अपनी बातों से किसी को नुकसान न पहुंचाना मुस्लिम समुदाय के लिए काफी जरूरी होता है। भारत में इस बार चांद शनिवार 2 अप्रैल को देखा गया, जिसके बाद रविवार से पहले रोजा की शुरुआत की गई। आज से रमजान के स्टार्टिंग हो गया। आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे रमजान में हम लोग फल का इफ्तार करते हैं। शाम को आवश्यकता जरूरत पड़ता है तो इससे क्या है, थोड़ा राहत मिलता है और इससे हम लोग रमजान के महीने पे हम लोग इसे खास करते हैं कि फल का जो है ये खरीदारी करते हैं हम लोग। तो रमजान को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? रमजान, ये रमजान पाक का महीना है। रमजान पाक का महीना है। इस रमजान में हम लोग भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं कि एक भाईचारे, रमजान पाक महीना है, हम लोग का बहुत पवित्र महीना है ये रमजान का। हम लोग ये खुशी का रमजान पड़ता है।